पनीर पराठा एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय बर्फा फ्लैट ब्रेड है जिसे पूरे गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें स्वादिष्ट मसालेदार कसा हुआ पनीर भरा जाता है। पनीर का पराठा इतना बढ़िया लगता है कि आप ही हो जाओगे मस्त। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ही खाने के प्रेमी है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। बहुत टेस्टी है, बहुत ही इजी है। लेना है आपको पनीर, पनीर मेरा ला है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे अदरक डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक से इसका टेस्ट जो होगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। स्वाद के अनुसार डालिएगा नमक, अगर आपको नमक तेज पसंद है तो नमक तेज डालिएगा, कम पसंद है तो कम डालिएगा। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ मसालों को ऐड करना है आपको। यहाँ पे अगर लाल मिर्च अच्छी लगती है तो आप इसमें लाल मिर्च डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डालना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। ये मैं मंगलवार को बनाया था, हम इसको लोड नहीं कर पाए थे, आज हम इसको लोड कर रहे हैं। तो इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको लेना है एक रोटी की लोई, फिर इसको बेल लेना है और फिर कुछ इस तरह से इसको बीच में रखना है पनीर की स्टफिंग भरनी है। पनीर की स्टफिंग आप भरिएगा काये से, बहुत ही ये टेस्टी है, बहुत ही यमी है ये रेसिपी। आप इसको ज़रूर बना के दिखिएगा। इसको ऐसे कर लीजिएगा, आपको सील करना है। अब यहाँ पे इतनी जल्दी ये बन जाएगा, इतनी जल्दी ये बन करके तैयार होगा कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। जब तक कि ये बिल रहा है तब तक कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसको आपको राउंड राउंड शेप में बेल लेना है। अच्छे से इसको बेल लीजिएगा और गरम गरम तावे पर इसको सेक लीजिएगा। इतना टेस्टी, इतना यमी पराठा बना है कि आपको एकदम मस्त कर देगा, एकदम बढ़िया कर देगा। अब इसको आप उलट पलट कर दीजिएगा, अच्छे से इसकी सिकाई कर लीजिएगा। देसी घी में इसके स्वाद और भी बढ़ जाते हैं। अगर इसे घी नहीं है तो आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और फिर इसको पलट लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। हो गया है पराठा। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा बटर। बटर मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करते हैं कि आलू भरा पराठा हो या फिर पनीर का पराठा हो या फिर कोई भी स्टफिंग पराठा हो, इसमें डालिएगा। ऊपर से आप गार्निश करिए कप पनीर उससे, बटर से, और आम के अचार के साथ या मिक्स अचार के साथ और दही के साथ इसका स्वाद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। धन्यवाद।